बच्चों को फूल कहा जाता है। बच्चों का जो सहजता होती है वो सभी को अच्छी लगती है, बच्चों की सहजता, क्योंकि बच्चों में इतना सीधापन होता है और वो दया रखते हैं सबके प्रति, तो नेचर को भी बच्चे बहुत पसंद है। अनदर चाइल्ड सेड आई लव द मैरीगोल्ड इन इट्स गोल्डन ड्रेस। दूसरे बच्चे ने कहा मुझे मैरीगोल्ड बहुत पसंद है उसके गोल्डन ड्रेस में, क्योंकि मैरीगोल्ड तो गोल्डन होता है ना। द मैरीगोल्ड स्माइल हैप्पीली, अब मैरीगोल्ड बहुत खुश हुआ। उससे पहले एक बच्चे ने सनफ्लावर की तारीफ की थी, ओ लुक एट द टॉल सनफ्लावर, देखो वो जो ऊंचा लंबा दिख रहा है सनफ्लावर उसकी तरफ देखो, तो सनफ्लावर भी बहुत प्राउड फील किया। उसने भी अपनी गर्दन जो है वह, अपना जो सिर जो है वह घमंड से ऊपर किया, लिफ्टेड इट्स हेड वेरी प्राउडली। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में हमको पढ़ना है फेरीज के बारे में। फेरीज क्या होती है? फेरीज होती है परिया। तो परिया की, परियों की यहाँ पर बात हो रही है कि अब ये गार्डन जो है मैजिक गार्डन जो है, ये परिया भी इसमें है। परियों का, अगर परिया भी इसमें आ जाए तो कितना अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चों को परिया बहुत पसंद होती है। परियों की कहानियाँ बच्चों को बहुत पसंद होती है। परिया आती है अपनी जादुई छड़ी से, जादू करके बच्चों को कुछ देती है, तो बच्चों को वो बहुत पसंद होती है। वो बहुत ही सिंपल होती है, बहुत ही शांत होती है। दे डांस्ड एंड सैंग स्वीट सॉन्ग्स विच ओनली द चिल्ड्रेन कुड हियर। देखो हम जब बड़े हो जाते हैं तब हमें ये कहानियाँ पता हो जाता है कि ये तो सिर्फ एक कल्पना है, लेकिन बच्चों को नहीं पता होता है। इसीलिए बच्चों को ही वह कहानियाँ अच्छी लगती है और बच्चे ही उनके मीठे गीत जो है वो सुन सकते हैं। चाहे वो परियां रियल में थोड़ी होती है, लेकिन परियों की कहानियाँ इमेजिन करके ही बच्चे खुश होते हैं। इसीलिए वो उनको लगता है कि जैसे हम परियों की सॉन्ग जो है वह सुन रहे हैं। आफ्टर सम टाइम द फेरीज केम आउट डांसिंग एंड टॉक विद द चिल्ड्रेन। कुछ समय बाद में क्या हुआ, फेरीज आई और बच्चों के साथ में डांस किया, बात करी। देयर ड्रेसेस वर मेड ऑफ फ्लावर्स एंड देयर विंग्स ऑफ सनशाइन। उनके जो कपड़े थे वो किसके बने हुए थे, फ्लावर्स के बने हुए थे, और उनके पंख जो थे वह सनशाइन मतलब सूरज के प्रकाश के बने हुए थे। उस पर सूरज का प्रकाश भी अच्छा पड़ रहा था, तो वह ऐसे लग रहे जैसे सूरज के प्रकाश से बने हुए हैं, सूरज के प्रकाश के धागों से, विंग्स ऑफ सनशाइन। और ये जो उनके कपड़े हैं फ्लावर्स फूल से बने हुए, ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, वो फेरीज की सुंदरता बढ़ा रहे हैं। मैजिक गार्डन वॉज क्वाइट, देखो फेरीज के पंख होते हैं ना, विंग्स मतलब क्या होता है पंख, तो पंख उसके कैसे किसके बने हुए, विंग्स ऑफ सनशाइन। इसका मतलब आप समझे हो कि उसके कपड़े जो थे वो फ्लावर्स के बने हुए और उनके जो विंग्स